बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू पेशावर मोटर्स। दोस्तों, इस चैनल से डेली आपको मैं बक्सा, सुजुकी की गाड़ियाँ, टोयोटा की गाड़ियाँ, ये सारी गाड़ियाँ आप लोगों को मैं दिखाता रहता हूँ। उनके अंदर मैं आप लोगों को कंडीशन के साथ साथ मालिक का राबता नंबर भी बता देता हूँ और एड्रेस और कीमत भी बता देता हूँ। तो आप लोगों की थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करिएगा। उसकी वजह यह है कि इससे हमारा हौसला अफजाई होता है, फिर हम मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों को दिखा सकते हैं। दोस्तों, अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपको गाड़ी का नाम बताते चलूँ कि ये टोयोटा हाईएस बक्सा है, जो कि TRH 214 इसका साइज़ है। 2014 इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, यानी मॉडल है, जबकि 2022 में ये रजिस्टर्ड है। गाड़ी कहाँ रजिस्टर्ड है दोस्तों? पंजाब में रजिस्टर्ड है और ये 86,000 किलोमीटर चली हुई है। ये इसका जैनुअन माइलेज है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी कम माइलेज है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों, आपको ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलती है। ट्रांसमिशन के बाद दोस्तों, आपको ऑटो डोर्स मिल जाते हैं, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग गाड़ी में मौजूद है। और दोस्तों, डुअल एसी की भी बात की जाए तो ये भी इस गाड़ी के अंदर एक ऑप्शन है, जो कि आपको मिल जाता है। दोस्तों, गाड़ी की जो ओवरऑल कंडीशन है वो आप लोगों के सामने है, बिल्कुल एक बेहतरीन कंडीशन में है और काफ़ी साफ़ सुथरी गाड़ी है दोस्तों। इस गाड़ी में जो आप लोगों को दोस्तों एसी मिलने वाला है, उसकी कंडीशन बिल्कुल ज़बरदस्त है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बाद दोस्तों, आप लोग गाड़ी की जो सीट्स मिलने वाली है, उसकी कंडीशन मैं आप लोगों को दिखाता हूं दोस्तों। गाड़ी की सीट्स जो है लॉन्ग लास्टिंग है, लेदर सीट्स लगे हुए हैं, काफ़ी महंगे तरीन पोशेश इसके ऊपर की गई हैं, आप लोगों के सामने है, बल्कि आप लोगों को खुद ही यहाँ पर पता चल जाएगा कि किस तरह उन्होंने कितना ख़र्चा करके गाड़ी की पोशेश जो है वो बनाई है। सीट्स की बात के अलावा दोस्तों, अगर हम इसके पर्श की तरफ आएंगे, इसके बॉडी की तरफ आएंगे, तो दोस्तों कोई मेन डेंट वगैरह का काम या कोई मैकेनिकली इसमें वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि छोटे मोटे जो आप लोगों को करना पड़ता है अपने हिसाब से, इसके अलावा मुझे तो कोई काम इस गाड़ी में नज़र नहीं आ रहा। जैसे कि इसकी सीली है या ये नॉन एक्सीडेंटल भी है, तो 100% नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी जो होती है वो कभी भी ज़्यादा काम नहीं निकालती। कमर्शियल यूज़ में आप इसको इस्तेमाल करके दिन में 6-7 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, ये आपके काम पे डिपेंड करता है। तो जितने भी मेरे परदेसी भाई बाहर रहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये एक बेस्ट चीज़ है और एक ज़रिया माश है। लोकेशन गुजरात पंजाब है, कीमत आपको कॉल करने पे बताई जाएगी, पर मुनासिब रेट है। और प्राइस जो है, इसके अलावा आपको मोबाइल नंबर स्क्रीन के ऊपर ही दे रहा हूँ, आप बिल्कुल इसी नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको एक अच्छी डील